जय श्री महाकाल, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिलाओं के कुछ कड़वे सच के। ये कड़वे सच आप जानकर शायद परेशान हो सकते हैं, पर मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मेरा कोई भी ऐसी बात आपको करके आप दुखी करना नहीं है। ये कड़वा सच इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि शायद आप अपने जीवन की कोई परेशानी से बच सकें। इन चीज़ों को अगर आप समझ लेंगे तो आपके जीवन में कई सारी जो तकलीफें हैं, परेशानी, उनका समाधान आपको मिल सकता है। और क्योंकि कई सारे लोग आपके साथ छल कपट और धोखा करते हैं, तो ये चीज़ें जानने के बाद आपको और अतिरिक्त चीज़ें पता लग जाएगी खुद के बारे में, और आप इन चीज़ों से भी बाहर आ पाएंगे जो अभी वर्तमान परेशानी में आप गुजर रहे हैं। दोस्तों, तो ये कड़वा सच आप समझ लें, बहुत बारीकी से इन चीज़ों को समझ लें, क्योंकि ये बातें कोई नहीं बताता है, मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आपको इन बातों को जानने के बाद बुरा लगता है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि कड़वा सच थोड़ा बुरा होता है। उससे पहले एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। कमेंट्स में भोलेनाथ का कोई एक नाम लिखें, जो आपको अच्छा लगे वो नाम लिख दीजिएगा। और अगर अपनी कुंडली का एनालिसिस हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल ही रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। सबसे पहला कड़वा सच है कि आप बहुत जल्दी लोगों पर यकीन कर लेते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है और गलत आदत है। लोगों को परखें, समझें, ऑब्जर्वेशन करें, उनके बारे में थोड़ा सा जानने के लिए वक्त लें, उसके बाद आगे बढ़ें। मैं ये भी जानता हूँ कि आप बहुत प्रैक्टिकल हैं, लेकिन प्रैक्टिकल होने का ये मतलब नहीं है कि हम किसी पर भी तुरंत यकीन कर लें। क्योंकि लोग, एक और ये समस्या शुरू होती है कि हम जैसे अच्छे होते हैं ना, आप बहुत अच्छे हैं, तो पूरी दुनिया को आप अच्छा समझने की गलत फहमी पाल रखें। इसे बदल दें, चीज़ों को ऑब्जर्वेशन करें, चीज़ों को समझें, क्या बुरा है क्या अच्छा है। आदतों को आप जैसे ही थोड़ा सा चीज़ें ऑब्जर्वेशन करेंगे तो व्यक्ति के बारे में बहुत सी चीज़ें आपको समझ आ जाएगी। दूसरी बात होती है कि जो दयात्मक भाव है, माँ ममत्व भाव, वो महिलाओं के पास ही होता है। लोग हमेशा इसका मिसयूज़ करते हैं, मतलब इमोशनल ब्लैकमेल जिसे कहते हैं। लोग आपकी अच्छाई का बहुत हद तक बहुत दुरुपयोग करते हैं, और ये बात आपको पता है, और आप खुद ये भी दृढ़ निश्चय कर लेती हैं कि अब मैं ऐसा नहीं करूँगी, लेकिन उसके बाद भी ऐसी चीज़ें करना ही होता है। करने से मतलब है कि हमारा स्वभाव ही वही है, हम किसी को दुखी नहीं देख सकते, और हमारे मन में जो भी बातें होती हैं हम उनको कह देते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, जो भी मन में बातें हैं उन्हें अपने तक सीमित रहने दें, क्योंकि लोग हमारी अच्छाई का, हमारे से सब बातें निकलवा लेते हैं, और उससे परेशानी हमारी ही क्रिएट हो जाती है। तो इन चीज़ों से हमें जितना हो सके उतना बचना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, धन के मामले में बहुत सेविंग्स करें, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अन्य लोगों पर खर्चा करने में विश्वास रखते हैं, और कोई भी व्यक्ति खराब हालात हो तो आप तुरंत मदद करने के लिए आगे आ जाते हैं। करें, बिल्कुल करें, पर हालातों को ऑब्जर्वेशन करने के बाद करें।